हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये मज़ेदार सी सिंपल इजी पनीर भुर्जी की रेसिपी। बहुत ही बढ़िया बनकर आती है ये रेसिपी, क्योंकि बहुत सिंपल है इसको बनाना, तो जल्दी भी बन जाती है साथ साथ टेस्टी भी है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी देखने के बाद रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है 3 टेबलस्पून के करीब, और उसमें सबसे पहले डाल देते हैं हम 1 चम्मच जीरा। हल्का सा जीरे को तड़कने देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 1.5 प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की, जिसे फाइनली डाइस कर रखा है मैंने, और ये प्याज भी हमने सारी इसमें डाल दी है। प्याज को हल्का सा पकाएंगे कि इसका कच्चापन चला जाए, ब्राउन नहीं करना है हमको यहाँ पर प्याज को। तो थोड़ा सा पका लेते हैं प्याज को मीडियम फ्लेम करके। तो हल्की सी प्याज हमारी सॉफ्ट होने लग गई है, तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 2 कटी हुई हरी मिर्चें और साथ साथ ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिला लेते हैं इसको, और ये हल्का सा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने भून लिया है। और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको फाइनली मैंने चॉप कर रखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे लाल टमाटरों का इस्तेमाल करा है, 2 मीडियम साइज़ के अच्छे लाल टमाटर, पके हुए टमाटर का इस्तेमाल करें, जिससे रंग भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, साथ साथ खट्टापन जो है ग्रे, जो अक्सर लोग कहते हैं कि खटास आ गई है टमाटर की वजह से, वो बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप पके हुए लाल टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ ही मैंने डाल दी यहाँ पर 3/4 कप मटर। ये 3/4 कप मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करा है, आप फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं, और अब सबसे पहले इसमें डाल देते हैं नमक। उसके साथ साथ इसमें डाल रही हूँ 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1.5 चम्मच ही धनिया पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें, और बस अब हमें मसालों को, टमाटर को, मटर को, सबको पकाना है। तो पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमने टमाटर डाले हैं उसमें इतना पानी मॉइस्चर है कि मटर उसमें अच्छे से पक जाएगी। तो बस ढक्कन लगा के इसको धीमी आंच पे 5 मिनट तक के लिए हम पका लेंगे। तो ये लो फ्लेम रख दिया था मैंने, बीच में एक बार इसको चला लिया था, और उसके बाद देख सकते हैं आप टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, साथ साथ मटर भी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। बस हल्की सी जो कसर रह गई है वो भी हम जब आगे इसको पकाएंगे तो मटर भी हमारी कम्प्लीटली पक जाएगी। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है कुकिंग क्रीम 1/4 कप। आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग क्रीम, और चाहे तो अगर आपके पास कुकिंग क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग क्रीम यानी कि जो फ्रेश क्रीम मिलती है मार्केट में, जो खाने में इस्तेमाल करी जाती है, वो है ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छी थिक मलाई को फेंट लें और उसके बाद उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दी है कसूरी मेथी, और बस सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और आप देख सकते हैं अभी काफ़ी गाढ़ा है ये जो मसाला हमने प्रिपेयर करा है, तो हम इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सेट करने के लिए इसके अंदर डालेंगे पानी। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जितना आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सूखी ड्राई साइड पे बनानी है पनीर भुर्जी तो आप इसमें पानी का कम इस्तेमाल करें, अगर आपको थोड़ी सब्जी स्टाइल में बनानी है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब अभी पानी डाल दिया है, और उसके बाद इसको ढक्कन ढक के 2-3 मिनट के लिए पका लिया था धीमी आँच पर। तो आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है, इसका रंग बड़ा अच्छा है कुकिंग क्रीम डालने से, और साथ साथ ये ऑयल जो है वो सरफेस आउट होने लग गया है, हमें ऊपर तले पे ऑयल दिखाई देने लग गया है, मतलब कि सब चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं हमारी। तो अब बिल्कुल एंड में इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे पनीर। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया था, जिसको बस हाथों से क्रम्बल कर रखा है, मतलब आप इसको ग्रेट ना करें, हाथों से इसको मैश कर लें, जिससे बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आता है भुर्जी का। कोई पीस बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है भुर्जी में स्पेशली। अगर आप ग्रेट कर लेंगे तो बिल्कुल ग्रेटेड जो पनीर को जब हम पका लेते हैं तो बिल्कुल मैशी सा पनीर हो जाता है, जो फिर भुर्जी का मज़ा एकदम स्पॉइल कर देता है। तो मैं पर्सनली इस तरीके से हाथों से इसको क्रम्बल करना, हाथों से इसको इस तरीके से मैश करना पसंद करती हूँ। आपकी जैसी चॉइस है आप वैसा कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेट करके पसंद है बिल्कुल सॉफ्ट पनीर, मशी पनीर बनाना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मिक्स कर दिया पनीर अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं, और हल्का सा इसमें पानी मैंने और डाल दिया ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हल्की सी इसमें रहे।
और बस अब पनीर डालने के बाद हम इसको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर डालूंगी आधा चम्मच गरम मसाला भी साथ साथ और कटा हुआ बारीक धनिया भी। और बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिला देते हैं और एक दो मिनट तक इसको इसी तरीके से हम पका लेंगे। तो ये पनीर हमने पका लिया है, अब हम ढक्कन ढक के इसको एक दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसी तरीके से इसको 5-7 मिनट के लिए ढका हुआ छोड़ देंगे, जिससे जो जितना भी इसमें ऑयल है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, जिससे ग्रेवी थोड़ी जो लाल लाल आपको दिखती है वो रीज़न यही है कि आप थोड़ी देर उसको इसी तरीके से ढक्कन ढका हुआ छोड़ दें और उसके बाद करें इसको प्लेट आउट। तो ये बढ़िया सी गर्मा गर्म पनीर भुर्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे मैंने कर दिया है सर्व। बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है इसका, साथ साथ बनाने में कितनी आसान है ये तो आपने देख ही लिया है। तो इस पनीर भुर्जी को आप एंजॉय कर सकते हैं, रोटी पराठे पूरी किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत बढ़िया लगेगी ये। तो बस बनाइए ये डिलीशियस सी पनीर भुर्जी। आई होप आपको ये सिंपल इजी सी रेसिपी पसंद आई हो। मैं आज इसको अपने घर में सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म फूली फूली पूरियों के साथ, जो बहुत ही अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन है पनीर और मटर और पूरी का। ट्राई कीजिए आप भी ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर से दीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग इजी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक बनाइए इसे और एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर।